हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो इस लेक्चर में हम कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालेंगे हीट पंप और रेफ्रिजरेटर की, और दोनों में रिलेशनशिप देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कॉफिशेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर एनी रेफ्रिजरेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई हॉट बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास कोई कोल्ड बॉडी है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोल्ड बॉडी से हीट को निकालते हैं, हॉट बॉडी में हीट को डालते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं, वर्क की हेल्प लेते हैं। ठीक है, वर्क हम देते हैं और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट को हम ट्रांसफर करते हैं। तो ये हमारा हो गया कोल्ड बॉडी और ये हो गया हॉट बॉडी। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये आपका डिजायर्ड स्पेस है, या मान लीजिए आप इसको रूम बोलिए, और ये एनवायरनमेंट है आपका। क्या है ये आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी सीओपी निकालता हूं, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ये फॉर्मूला होता है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, कितनी हीट आपने रूम से निकाली, ठीक है, कितनी हीट आप निकाल पा रहे हो लो टेम्परेचर सोर्स से, उसी को इसका डिजायर्ड इफेक्ट बुलाते हैं। तो Q1 डिवाइडेड बाय इसके लिए कितनी वर्क आपको देना पड़ रहा है, वर्क इनपुट कितना है W। अब देखिए W को क्या लिख सकते हो आप, अगर इसमें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाओ तो Q1 प्लस W किसके बराबर है, Q2। ये दोनों अंदर जा रहे हैं, ये हीट बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो W क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q2 माइनस Q1। तो ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1। तो ये COP किसकी आ गई है, COP ऑफ एनी रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अब निकालते हैं COP किसी हीट पंप की। देखिए हीट पंप का क्या काम क्या होता है, सर्दियों में यूज करते हैं, इसका काम होता है रूम को गर्म करना। ठीक है, या जो भी स्पेस है, डिजायर्ड स्पेस है, उसको आप टेम्परेचर उसका मेंटेन रखते हो सराउंडिंग के टेम्परेचर से एक्स्ट्रा। ठीक है, इसमें हम सराउंडिंग के टेम्परेचर से मेंटेन करते हैं बिलो, इसमें टेम्परेचर कम रखना होता है एनवायरमेंट से, इसमें टेम्परेचर आपको ज्यादा रखना होता है। तो मान लीजिए ये आपका हॉट बॉडी है कोई, ये कोई कोल्ड बॉडी है आपकी, तो कोल्ड बॉडी से आपने हीट को निकाला, हॉट बॉडी में हीट को डाला। ठीक है, तो मान लीजिए ये हॉट बॉडी है आपकी और ये कोल्ड बॉडी, इसके लिए क्या लेना पड़ा, आपने इनपुट में क्या दिया, वर्क दिया। अब देखिए अब की बार मेरा ये वाला रूम है, क्योंकि रूम को गर्म करना है तो रूम के अंदर हीट को आपको डालना है, और ये क्या है, ये एनवायरमेंट है। तो इसकी सीओपी जब मैं निकालूंगा, सीओपी ऑफ हीट पंप, तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा की बार, Q2, कितनी हीट मैंने रूम में डाली वो मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है, डिवाइडेड बाय W, W मतलब उसके लिए कितना वर्क आपने दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q1 प्लस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1। मैंने क्या किया, Q2 में Q1 प्लस कर दिया और Q1 माइनस कर दिया, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यही बचेगा। क्योंकि ऐसा देखिए Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1, मैंने ये सेपरेट कर दिया, इसके साथ ले गया प्लस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q2 माइनस Q1, इनको मैं सेपरेट ले गया। तो ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन, ये वन हो गया। इसका मतलब हीट पंप की सीओपी कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई, रेफ्रिजरेटर की सीओपी प्लस वन। ठीक है, तो मैंने देखा कि हीट पंप की जो सीओपी होती है वो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर से वन एक्स्ट्रा होती है। इसका मतलब हीट पंप की सीओपी हमेशा एक से ज्यादा होगी, ठीक है, एक से कम तो हो ही नहीं सकती। अगर मैं आपको क्वेश्चन में सीओपी ऑफ एनी रेफ्रिजरेटर दे देता हूं तो आप सीओपी हीट पंप की निकाल सकते हो कैसे, वन प्लस। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर लिमिट दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला आप लगा पाओगे। कंडीशन क्या है,
कि दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट्स में क्या हो, ऑपरेट हो रहे हो, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, थैंक यू।